दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है। कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सीरियस मामला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला, करता हूँ आपका स्वागत एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मालवेयर के बारे में जो कि बहुत ही नया है अभी मार्केट में, और ये कब्जा कर रहा है मोबाइल में जितने नेट बैंकिंग है उसको। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, रियल न्यूज है। ये न्यूज दी है हमें क्यू खील के सिक्योरिटी लैब ने, और ये सर्च कर रहे थे ऐसे ही मालवेयर के बारे में और उनको मिल गया एक नया मालवेयर जिसका नाम है Android.banking.A9480। दोस्तों ये मालवेयर निकल के आया है अभी एक महीने पहले, और ये मालवेयर करता क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जब भी आप इंटरनेट पे सर्व वगैरह करते हैं, एक ऐप डाउनलोड करने को कहता है, कोई भी ऐप डाउनलोड करने कहती है मिसेलियनस वेबसाइट जो कि जेन्युइन नहीं होती है, और अगर आप गलती से भी कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसी के साथ ये मालवेयर चलाता है। ये प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्ले स्टोर पे ऐसे हार्मफुल चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोडर से आपके मोबाइल में आती है। एक बार ये आ जाती है दोस्तों तो फिर आपसे ये पॉपअप पे पॉपअप देती रहती है और कहती है कि हमें परमिशन दिलाई मोबाइल से, तो एक बार आप परमिशन भी दे देते हैं पॉपअप से परेशान होके, और जब परमिशन दे देते हैं ये मोबाइल पे पूरा कंट्रोल पा जाता है। उस परमिशन को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और एक बार वो हासिल हो गया तब ये आपके मोबाइल में कुछ भी कर सकता है, ये मालवेयर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेता है। इस मालवेयर को बेसिकली बनाया गया है टारगेट करने के लिए बैंकिंग एप्स को, चाहे आपके मोबाइल में हो SBI का नेट बैंकिंग वाला मोबाइल ऐप, चाहे HDFC का, चाहे ICICI का, कोई भी बैंक हो, ये टोटल 232 बैंकिंग एप्स को टारगेट कर रहा है। दोस्तों 232, आप समझ सकते हैं कितना वाइड है, और नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये टारगेट कर रहा है। अब ये कैसे काम करता है, एक बार जब आप कंट्रोल दे देते हैं और फिर कभी भी आप लॉगिन होते हैं अपने मोबाइल ऐप में वो जो नेट बैंकिंग वाला है, तो वहां से ये पासवर्ड और वो यूजर आईडी कॉपी कर लेता है और वो भेज देता है अपने सर्वर पे। बहुत ही चुपके से ये काम करता है, पीछे बैकग्राउंड में वो सर्वर पे भेज देता है, और एक बार सर्वर पे चला जाता है तो आपका पासवर्ड और यूजर नेम गया। दोस्तों आप सोच सकते हैं किसी के पास आपके बैंक अकाउंट का नेट बैंकिंग का पासवर्ड और यूजर नेम है तो वो क्या क्या कर सकता है, पैसे ट्रांसफर कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, एक झटके में आपका बैंक अकाउंट जीरो हो सकता है। दोस्तों नॉट ओनली बैंकिंग एप्स, ये बैंकिंग एप्स को ही नहीं टारगेट कर रहा है, खबर यहां तक बता रही है कि क्रिप्टो करेंसी को जो एप्स परचेस कर रहे हैं उनको भी ये टारगेट कर रहा है, जैसे कि जेब पे हो गया, IQ एक्सपर्ट हो गया, उन सबको ये टारगेट कर रहा है, तो वहां के लोग भी हार्म में आ सकते हैं अगर ये मालवेयर गलती से भी उनके मोबाइल में आ गया। बिल्कुल ये रैंसमवेयर अटैक की तरह है, जैसा कि अटैक हुआ था अभी कुछ दिन पहले। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको किसी भी अनजेन्युइन वेबसाइट पे नहीं जाना है जहां से आपको डर हो कि ऐसे ऐप्स आपके मोबाइल में आ जाएं, और अगर एक बार आ जाते हैं तो किसी भी ऐप को आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं देना है जब तक कि आप पूरे श्योर नहीं हो कि ये ऐप को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया जाए। वो कोई ट्रस्टेड ऐप हो तभी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दीजिए, नहीं तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। दोस्तों नॉट ओनली बैंकिंग एप्स, ये आपके फोन का कोई भी डाटा हासिल कर सकता है और सर्वर पे भेज सकता है। दोस्तों एक गंभीर बात ये भी है कि ये जो मालवेयर है ये आपके मोबाइल पे मैसेजिंग पे भी कब्जा कर लेता है, कि जो मैसेज आ सकता है जा सकता है वो भी ये पढ़ सकता है। तो अगर आपको OTP वगैरह चाहिए तो वो भी ये काम कर सकता है, जैसे हम बैंकिंग समय OTP चाहिए होता है आपके मोबाइल में आता है तो वो OTP भी गेन कर सकता है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए। दोस्तों जो जो बातें मैंने आपको बताई अगर आप उन सबका ध्यान रखते हैं तो हो सकता है आप बच जाएं, और हां बच ही जाएंगे, पूरी तरह से श्योर है अगर आप ये बातों का ख्याल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैंने पूरी सावधानी बरती, आसपास के जितने लोग हैं सबको ये बात बता दी है, अब पारी आपकी है, आप भी सावधान रहिए। ऐसी और यूजफुल वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही, चलता हूं, बाय।